और वो नेटवर्किंग शहर से समझ लो कि वो लीडर हमारे मोदी केयर इंडस्ट्री में आए और उन्होंने बड़े शॉर्ट पीरियड में पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया और पूरी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। दोस्तों अगर उनकी बैकग्राउंड की बात करूं तो मोटरसाइकिल पे कभी चला करते थे और पेट्रोल डालने के भी कभी पैसे होते थे नहीं होते थे, और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में बहुत पैसा डूबा उनका, बिजनेस चला यूं बट उसके बीच में पैसा बहुत डूबा। आपका पता ही है जैसे जितने बिजनेसमैन है, बिजनेस एक कुआं है, उसको जितना मर्जी भरो कमी है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस में ट्रेजेडी हुई और प्राइवेट जॉब में आए। प्राइवेट जॉब में उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी तो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। तो मैं कहूंगा कि मेरी टीम के वो बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं और बहुत जबरदस्त लीडर हैं वो। उन्होंने मोदी केयर की शुरुआत की और आज दोस्तों सबसे मजेदार बात है कि 2 साल में जो उन्होंने सोचा वो कर दिखाया, और उन्होंने आज वो मोटरसाइकिल वाला सफर, आज वो XUV 300 15 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं और हर महीने 1.5 लाख पर मंथ कमाते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग लीडर, जानदार शानदार। बात करते हैं मिस्टर अनिल सिंह जी की फ्रॉम उदयपुर। ओवर टू यू अनिल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू अनिल जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम अनिल सिंह है, मैं उधमपुर से बिलोंग जी करता आपकी हूँ। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? ठीक आ रही है, अब आ रही है हाँ दीपक जी भाई? अभी आ रही, अब आ रही जी है जी आवाज? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। लेट्स स्टार्ट सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम अनिल सिंह है। सबसे पहले मैं अपने जितने भी अपलाइन है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले हमारे मिस्टर दीपक वल्ली सर हैं, अपने संदीप सलगोत्रा सर हैं, अपने राजन सर हैं, गगन कामरा सर हैं, गुरमेल संधू सर हैं, डॉक्टर शक्ति सर हैं, विवेक सर हैं, और अपने हमारे जीवड़ी मनीष चोपड़ा सर हैं। सबका शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ, क्योंकि मोदी केयर में आने के बाद मुझे, उससे पहले तो चलो मैं अपना थोड़ा सा बता दूं, मैं पिछला जो बैकग्राउंड है मेरा, मैं पिछले 8-10 साल से कॉरपोरेट सेक्टर में था अपना। जैसे कि रिलायंस, मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी पोस्टपेड की, उसके बाद एयरटेल की, फिर एयरसेल की, मतलब तो 3-4 कंपनियों की मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी। उसमें बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती थी, तो कभी बिजनेस अप और डाउन होता रहता था। तो जिंदगी में कभी जॉब के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि जॉब कभी करनी थी करनी नहीं थी, क्योंकि मुझे जॉब पसंद नहीं थी शुरू से। मेरे बचपन से मेरा ड्रीम था कि अगर जीना है तो शेरों की तरह जीना है, अदरवाइज जॉब 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 करके नहीं जीना है। मतलब कि बंदिश कर, मैं जैसे अब जॉब की बात करूँ, जॉब बहुत अच्छी है बट लेकिन वहाँ बाउंडेशन रहती है हर चीज की। मैं अगर बात करूँ जॉब की, तो मैंने लास्ट टाइम अपना 2015 में मैंने DHFL ज्वाइन की थी। DHFL बहुत बड़ी कंपनी है, तो DHFL की बात करूं, वहां मैंने 1.5 साल जॉब की, लेकिन वहां मुझे सिक्योरिटी नहीं लगी, क्योंकि हर महीने वो एक ऐसा बिजनेस, जॉब की अगर मैं बात करूं वो ऐसा बिजनेस है कि हर महीने जीरो से शुरू होना करना पड़ता है। तो जैसे अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं या टेलीकॉम की, किसी भी सेक्टर की बात करूं, वहां हमें हर महीने हमारे लिए जीरो रहता है, तो जीरो से बिजनेस करना पड़ता है शुरू। और यहाँ मोदी केयर में आने से पहले हमारे दीपक सर हैं, इन्होंने मुझे क्या बोलते हैं प्लान समझाया। इन्होंने मुझे 6 महीने पहले, तब मैं जॉब में था अपने DHFL की जॉब में था, इन्होंने मुझे 6 महीने लगे, 6 महीने पहले प्लान समझाया था। मैंने भी समझा, मैंने बहुत सी कंपनियों का नाम सुना भी था, प्लान भी समझे थे, बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना चाहता था। लेकिन 6 महीने में इन्होंने मुझे कॉल पे कॉल करते रहे करते रहे, मैं भी हाँ ना करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये है वो करता रहा। उसके बाद 6 महीने बाद मैं स्पेशल यहाँ से उधमपुर से जम्मू 70 किलोमीटर का सफर है, मैं यहाँ से स्पेशल गया। मैंने कहा सर आज मैं फ्री हूँ, तो आज मुझे ये प्लान बताओ आप। तो प्लान इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कम से कम 3-4 घंटे आपको मुझे पूरा प्लान, अगर मैंने काम करना है, मैं कोई भी काम करता हूँ पहले उसको पूरा समझता हूँ फिर उसके बाद करने के लिए। जैसे कि अब देखो कोई भी काम सीखना है पहले अच्छे से सीखेंगे फिर ही आगे सिखाएंगे। तो इन्होंने मुझे फिर टाइम दिया, 2.5 से 3 घंटे इन्होंने मुझे प्लान समझाया, फिर मैंने इस सिस्टम को समझा, फिर मैंने शुरुआत शुरू की। मोदी केयर मैंने अपना 2019 जनवरी में स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करते करते अपना पहले प्रोडक्ट यूज किए, फिर प्रोडक्ट की नॉलेज ली,
फिर हमारे दीपक सर ने बहुत सपोर्ट की हमें, हर वक्त जब हमें जरूरत पड़ती थी इनको हम कॉल करते थे तो ये हमारे पास उधमपुर आ जाते थे। तो कोई भी बिजनेस है अपलाइन के बगैर अधूरा है, तो मैं यही सभी लोगों से कहूंगा, नए लोगों से, अपने अपलाइन का साथ बिल्कुल रखो, अपने अपलाइन की हर बात को सुनो समझो, वो आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। तो उसके बाद जनवरी की शुरुआत थी और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या सर, अपना सबसे पहला चेक जो मेरा आया था मुझे आज भी याद है, जनवरी 2019 में 6450 रुपए का सर मेरा पहला चेक था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ऐसा बिजनेस जहां हम प्रोडक्ट यूज करते करते हमें पैसे भी आते हैं। तो मोदी केयर एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं आप लोगों से सभी यही कहना चाहता हूं कि इस मोदी केयर में जो भी है, अगर जो भी सिस्टम में ज्वाइन होते हो, कम से कम 2 साल पेशेंस रखो, पेशेंस का बिजनेस है। 2 साल के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि हम पैसा कमा रहे हैं, हमें इतने पैसे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उसके बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि 2 साल पेशेंस से आप इस बिजनेस में सिस्टम में अपडेट रहो, अपने अपलाइन के टच में रहो। अगर आप 2 साल इस बिजनेस में निकाल लोगे ना सर, तो जिंदगी में कहीं नौकरी नहीं करना पड़ेगी। और ये एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये तो मुझे लगभग 2.25 साल हो चुके हैं मोदी केयर में। तो इस बिजनेस को करते करते मुझे बहुत ही, मतलब कि एक पहले था कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन इस बिजनेस में आया हर, मतलब कि टाइम फ्रीडम बिल्कुल फुल है सर, जहां दिल करता। और ये एक ऐसा लोता बिजनेस है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हो। अगर हम जॉब की बात करें या हम डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप बात करें, उसकी कुछ एरियाज लिमिट होती है, एरिया की लिमिट होती है। बट मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा बिजनेस है कि इसको आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हो। और मैं अपना क्या बोलते हैं, 2.25 साल इस बिजनेस में आए हुए और चौथा चेक मेरा सर 44,750 का था। फिर आगे बढ़ते गए, मेरे डाउनलाइन जितने भी थे उनका सबका सहयोग रहा, उन्होंने बहुत मेहनत की। और यहाँ आपको पता ही है J&K जो अपना स्टेट है, यहाँ हर वक्त डिस्टर्ब ही रहता है, कभी नेट बंद रहता है, कभी क्रैफ्यू लग जाता है, कभी कोई धारा लग जाती है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने पेशेंस रखे। बीच में चेक हमारे काफी डाउन भी आ गए, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर करना है तो मोदी केयर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अभी तो हमारे ब्लड में भी मोदी केयर है कि हम जब भी सोते जागते उठते जितने भी प्रोडक्ट हैं सब घर में मोदी केयर के यूज होते हैं। तो मैं आप लोगों को सभी को यही कहना चाहता हूं कि इस मोदी केयर में आप लगे रहें और मेहनत करें, अपने अप्लायंस का सहयोग रखें। फिर उसके बाद अगर जैसे कि अब लास्ट चेक जो मेरा फेब में आया था 1,51,000 का आया था, वो मेरे अप्लायंस सबका सहयोग रहा, मेरी डाउनलाइन सबका सहयोग रहा। और इस बिजनेस में सर अपना जैसे कि अगर मैं बात करूं, आने वाला फ्यूचर है, देखो कोई भी जॉब है, जॉब बहुत अच्छी है, बट वहां पर भी सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि वहां पर सैलरी लिमिट ही आनी है। जैसे अगर 20,000 है तो 20,000 ही आएगी, 30,000 है तो 30,000 ही आएगी, लेकिन मोदी केयर में आप 6 महीने, साल, 3 महीने में एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और मेरी टीम में काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो कि अपना क्या बोलते हैं, हर महीने 50,000, 40,000, 60,000 महीना के कमा रहे हैं। तो अगर टीम की बात करूं, मेरी 7 से 8 स्टेटों में टीम डिवाइड है, लोग वहां से भी कर रहे हैं बिजनेस। जैसे कि बात करूं, अहमदाबाद से हैं, मुंबई से हैं, अपना UP से हैं, MP से हैं, और उसके बाद श्रीनगर से भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और किश्तवाड़, वटोत, काफी एरिया के लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबका थैंक्स कहूंगा, आप लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक्स है। आप अच्छा सा बिजनेस करो, मैं ये चाहता हूं कि जब तक उधमपुर के अंदर कम से कम 10 लोग 1,00,000+ नहीं जाएंगे, तब तक ना मैं खुद चैन से बैठूंगा ना अपनी टीम को बैठने दूंगा। और मैं सबसे यही कहूंगा कि कम से कम 2 साल इस बिजनेस में आप अच्छा सा टाइम निकालें, तो 2 साल के अंदर आप पेशेंस रखकर, लेकिन मेहनत, ये नहीं है कि आपने 2 साल टाइम देना है, 2 साल टाइम के साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी अच्छे चेक्स आएंगे। तो दूसरा हमारा अपना क्या बोलते हैं, हम मोदी केयर के बारे में और भी काफी कुछ नए प्लान्स के बारे में समझ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अभी जैसे कि अब हमारी टीम में 2-3 SED भी अभी इस मंथ आने वाले हैं। तो बाकी अपना बिजनेस बहुत अच्छा है, सभी करें, दिल लगा के करें, और अपनी अपलाइंस का आप अच्छे से सुना करो बिजनेस। और अभी मैंने लास्ट जुलाई पिछले साल मैंने
XUV300 15 लाख की गाड़ी अचीव की है, वो भी मेरी टीम की बदौलत है। टीम ने मेहनत की, मैंने मेहनत की, मेरे अप्लाइंस ने मेहनत की, क्योंकि हम चाहते हैं कि उधमपुर में कम से कम 2023 तक कम से कम 10 कारें मेरी टीम में आए, तो उस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। उस पर हमारा पूरा ध्यान है कि टीम में जो लीडर्स एक्टिव हैं उनके साथ भी एक्टिविटी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है। जो लीडर्स हर बंदे को हमने यही कहना चाहेंगे कि हर लोगों को कि आप इस बिजनेस में दिल लगाकर करें। तो दूसरा मेरी अगर मैं बात करूं, मेरी जूम की फर्स्ट मीटिंग है, तो चलो ज़्यादा तो इतना कुछ मैं अपना अपने बारे में आपको जितना था बताया है। बाकी हमारे दीपक सर हैं जो वो बड़ा सहयोग हर बंदे के साथ अपना बड़ा मतलब कि बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो बाकी सर ओवर टू दीपक सर, आप थोड़ा सा बोलिए। हेलो, हाँ जी सर, आप कंटिन्यू करिए और अपनी सक्सेस स्टोरी करिए और अपने बारे में बताइए। डोंट वरी, और ये आई नो कि ये फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग है, ये फर्स्ट सेशन है। हम मोदी कैरियर ना सर, हम मोदी कैरियर में एक सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हम हर एक इंसान को सहयोग करती है और हर इंसान को इनकरेज करती है, क्योंकि ये फैमिली इतनी प्यारी है कि हम किसी को ये पता नहीं लगने देती ये फर्स्ट थी या लास्ट थी। आप अपना और सेशन कंटिन्यू करिए 5-10 मिनट, जो आप दिल में बोलना चाहती हैं बोलिए। हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे ओल्ड लीडर्स हैं। डोंट वरी, हम एक साथ हैं, क्योंकि हमारी कंपनी एक है मोदी केयर, तो मोदी केयर नंबर वन है तो रहेगी। सर आप कंटिन्यू करिए, अगर 10 मिनट बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसमें यही बोलना चाहूंगा सर कि अपना जितनी भी मेरी टीम्स है वो सब सुन रही होगी, जो जो जूम में आए होंगे आज मीटिंग सुन रहे होंगे, मैं उनको यही कहूंगा कि जैसे मैंने पेशेंस रखी है, काफी लीडर्स ने पेशेंस रख कर ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी करें। लेकिन इस बिजनेस को बिल्कुल फेयर करें, मतलब एक अगर आप सच्चे मन से अगर इस बिजनेस को करेंगे तो आप सक्सेस पाएंगे। तो अगर आप देखो इस बिजनेस को एक दिल लगा, मैं बोलते हैं ना कि दिल लगा के कोई भी काम किया जाए वो सक्सेस की तरफ बढ़ता है। तो मैंने अब जो जैसे कि मैं बता रहा था, मैंने गाड़ी ली XUV300 15 लाख की, ये मेरी टूल गाड़ी है। मेरे सपने जो है 2025 तक जैगवार गाड़ी के हैं, वो लग्जरी जिंदगी जीना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में सब कुछ पॉसिबल है। देखो समीर सर भी बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो सर जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम खुद को नहीं बदल सकते, और हम दुनिया तो बदलने की बहुत दूर की बात है। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, दुनिया तो बदलना काफी दूर की बात है। तो मैं हर बंदे से यही कहूंगा कि आप दिल लगाकर मोदी केयर करें, और कम से कम 2 साल, और आने वाले टाइम में सर बहुत बहुत से प्रोडक्ट आने वाले हैं अपने मोदी केयर में। अभी जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई तो 129 प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, ये सब आने वाले हैं, चावल आस्ते आस्ते हर चीज आएगी। तो पेशेंस रखो, कई लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सर सिस्टम को नहीं समझोगे तो प्रोडक्ट बहुत महंगे लगे हैं। कई नए लोग जुड़ते हैं, वो एक महीना लेते हैं, दूसरे महीने बोलते हैं कि अभी हमारे पास ये सामान खत्म नहीं हुआ है, हम कैसे लें, बहुत महंगे हैं। लेकिन जब तक आप पूरा प्रॉपर प्लान नहीं समझोगे, आपको प्रोडक्ट महंगे लगेंगे। सर ये जो बिजनेस है, कम से कम 1 साल की एवरेज जो है ना, उसमें अप टू 65% डिस्काउंट रहता है। तो आप उस सिस्टम को समझो ना कि अगर प्रोडक्ट महंगे हैं, अगर कैसे महंगे हैं, आपको कैसे लग रहा है महंगे हैं, लेकिन इस बिजनेस में आप अगर पूरे प्लान को समझोगे तो आपको प्रोडक्ट महंगे नहीं लगे। क्योंकि मैं भी पिछले 2.25 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहा, सुबह सोने से लेकर सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक यही प्रोडक्ट यूज करता हूँ। तो इस सिस्टम को आप अच्छे से समझो, अपने अपलाइन से समझो, और अपलाइन आपको कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, अपलाइन आपका भला चाहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस ही फैमिली बिजनेस है। हर बंदे को हमें साथ में लेकर चलना है, हमने किसी को नहीं छोड़ना, हर बंदे को साथ में लेकर चलना है। और हर बंदे को यही कहना है कि आप अच्छा करोगे, अपनी टीम में अच्छा बताओ, अपनी टीम में अच्छा बताओ। अब जैसे गोवा की लहर चल रही है, मैंने अपना एक दिमाग में एक सोच रखा, कम से कम 50 लोग मेरे गोवा जाएंगे। अगर अगर कोरोना दौर अगर ठीक हो गया तो गोवा में कम से कम 50 लोग मेरे, लगभग अभी 20 से 25 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। तो औरों की हमने लिस्ट बना रखी है, किसी को हमने क्वालिफाई कराया, हर बंदे के साथ हम दौड़ने के लिए तैयार हैं। तो कम से कम 50 लोग गोवा जाएंगे, तो एक लगता है कि हाँ भाई
हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ एक अच्छी इनकम और घूमना है, और एक टाइम की बात करो, टाइम तो हमारे पास अनलिमिटेड है, तो इसी बिजनेस को हम हर जगह प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं। तो मेरे अगर बात करूँ, मेरी टीम में कम से कम 6 DP खुले हैं और DP में सब ने अच्छा सामान रखा है और अच्छे से चल रहे हैं। तो अपना क्या बोलते हैं, मोदी केयर में अगर बात करें सामान की, अभी थोड़ा चलो आज अपना सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही, लेकिन प्रोडक्ट की बात करूँ क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब यूज़ करो और सच्चे मन से 2 साल इसको यूज चलाओ, मोदी केयर को अपना समझो सिस्टम को, और मेहनत करो और अच्छी सक्सेस पाओ सर। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अगर बात करूँ तो आज तक मेरी फर्स्ट मीटिंग है जूम की, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। दीपक सर आप जी, थैंक यू अनिल जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, एक चीज हमें आज की मीटिंग से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, अगर सबने गौर किया होगा, क्षमा चाहते हैं कि अनिल जी का जितना भी टाइम था वो हम जितने में भी कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज एक सीख मिलती है हमारे को, क्या कि दोस्तों हमने इस बिजनेस में, बेशक हम बहुत शाई नेचर के हैं और जैसा भी है, मगर इस बिजनेस की पकड़ हमने नहीं छोड़नी, जो मर्जी है दोस्तों। ये हर एक के प्लेटफॉर्म है, आपने एक चीज सबसे अच्छी चीज नोटिस की कि अनिल जी बहुत मतलब शाई नेचर के है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जूम पे सेमिनार पे आने के लिए थोड़े हिचकिचा रहे थे, बट अगर अचीवमेंट की बात करो तो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने XUV400 ली, अपने बिजनेस से मोदी केयर बिजनेस में आए, 1.5 लाख रुपए का चेक कमा रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात की एक नेटवर्क एरिया जहां पर नेटवर्कों का बहुत बड़ा गढ़ है, वहां पर हर एक दूसरी तीसरी कंपनी कभी ना कहीं कहीं ना कहीं से पैदा होके आ जाती है। तो उस शहर में रह के अपने बिजनेस को चलाना और अपनी टीम में 4-5 DP खोलना, मतलब एक कहने का मतलब होता है कि हम फील्ड में दहाड़े, हम बेशक अगर हम जूम पे कहीं नहीं दहाड़ पाते कोई बात नहीं, एक चैलेंजेस आती है, एक स्टार्ट वो है, बट हम मोदी केयर फैमिली हर एक को सहयोग करते हैं और हमें सहयोग करना बनता है, क्यों, हम मोदी केयर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मोदी केयर को हमने ही मिलजुल के नंबर 1 बनाना है। तो ये शाई नेचर से इन्होंने अपना सक्सेस स्टोरी तो आपको बहुत इजीली, बहुत प्यार से एक चीज बताई, और बहुत दोस्तों एक और चीज नोट किया आपने कि इन्होंने बोला मुझे 6 महीने लगे इस बिजनेस में आने के लिए, मुझे 6 महीने लगे, बट दीपक जी ने मुझे लगातार फोन किया। और ये सेम सिमिलैरिटी अगर आपने नोटिस की हो कि ये सिमिलैरिटी रमनीक जी ने भी बोली कि मैं 1 महीना इनको बेवकूफ बनाता रहा तो मैं चलता गया, मगर मैं इनको टाइम नहीं देता था। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है दोस्तों, इट मीन कि मैंने पेशेंस रखी। अगर आज ये 2 मिलेनियर्स मेरी टीम में है तो इट मीन मैं पेशेंटली इनका पीछा करता रहा, क्योंकि मुझे पता था ये बिजनेस कर सकते हैं, और एक बार इनसे सिर्फ मुझे मीटिंग चाहिए, और बेशक इन्होंने 6 महीने मुझे फोन पे नहीं बताया, या मैंने अनिल जी को, रमनीक जी को फोन पे नहीं बताया कि ये बिजनेस क्या है, तो दोस्तों अगर मैं फोन पे बता देता तो शायद ये आज मिलेनियर नहीं होते। इससे हमें एक और सीख क्या मिलती है, एक और हमारे पास टिप्स क्या आता है, वो ये आता है कि हमें फोन पे कभी भी बिजनेस शेयर नहीं करना, क्योंकि ये बिजनेस फोन पे शेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। मैंने 6 महीने अनिल जी का वेट किया तो वो मेरे क्या बोलते हैं इसको टीम में आज मिलेनियर है, वही जैसे रमनीक जी टीम में मिलेनियर है। तो पेशेंटली जैसे मैंने पेशेंस रखी, इन्होंने भी पेशेंस रखी, और आज पेशेंस रख के मिस्टर अनिल जी 1.5 लाख के चेक पे पहुंच चुके हैं और 1.5 लाख का चेक अचीव कर रहे हैं। और आज के सेक्शन हम जल्दी खत्म नहीं करेंगे, मैं दोस्तों आपको इनके लिए 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। ये बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से अपनी एग्जीक्यूशन चलाते हैं, ये फर्स्ट टाइम आज जूम पे हैं तो थोड़ा, मगर इन्होंने बहुत बेहतरीन बोला। अनिल जी Really hats off to you, आपने बहुत ही जबरदस्त आज फर्स्ट टाइम अपनी सक्सेस स्टोरी प्लेटफॉर्म पे बताई, और हम सभी टीम हैट्स ऑफ करती हैं और दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है, और आपको क्लैपिंग से हम नवाजते हैं कि नहीं आपने बहुत बढ़िया बोला। दोस्तों कोई बात नहीं अनिल जी, अगला चेक 2-3 लाख रुपए का आने वाला आपका, और आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको रिप्रेजेंट करिएगा आज, तो इसको आगे और रिप्रेजेंट करिएगा मोदी केयर को कि हमें इसको कैसे और बढ़ाना, तो अब सक्सेस स्टोरी आपकी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो
तो दोस्तों आज की मीटिंग हम ये खत्म नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी टीम, हमारी आज की इस मीटिंग में इतने जबरदस्त धुरंधर जबरदस्त अपलाइन लीडर्स हैं हमारे बीच में, जो उनकी उनका थोड़ा सा टिप्स हम देखेंगे, क्योंकि हमारा 9 से 10 बजे का टाइम है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, कवर करेंगे। सो मैं अगले हमारे ग्रेट अपलाइन जो कि जम्मू की लीडरशिप को थोड़ा सा हम आगे प्रमोट करती हैं आज की मीटिंग में बुलाना चाहेंगे। मैं ग्रेट जबरदस्त लीडर जो डायनामिक पर्सनालिटी हैं, प्राइवेट जॉब के साथ साथ दोस्तों उनका सक्सेस सेमिनार प्राइवेट जॉब की वजह से नहीं हो पाया, बट उन्होंने एक चीज अपने दिल में जरूर ठान ली थी, वो क्या रखा कि जब तक मेरा 5 लाख का चेक नहीं